नमस्कार दोस्तों आप सभी का न्यू वर्ल्ड टेक में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट की और आंसर की। जी हां दोस्तों, इसकी ऑफिशियली अपडेट जारी कर दी गई है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ऑफिशियल अपडेट जारी कर दी है। उसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके जो भी सवाल और डाउट है सारे क्लियर हो जाए। काफी समय से काफी बच्चे जो है इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, आंसर की का, तो दोस्तों फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, ऑफिशियली अपडेट आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं पूरी ऑफिशियल अपडेट की। तो दोस्तों यहां पर लाइव हिंदुस्तान की ऑफिशियल न्यूज चैनल पर आप देख सकते हैं, यहां पर पूरी अपडेट दी गई है। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट आंसर की अपडेट कल जारी हो सकती है, आरआरबी ग्रुप डी की उत्तर कुंजी। जी हां दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान की ऑफिशियल अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है 10 जनवरी 2019 की आज की सुबह की अपडेट है, आप देख सकते हैं यहां पर। और यहां पर साफ साफ बताया गया है कि आरआरबी ग्रुप डी के अभ्यर्थी के लिए इंतजार की जो घड़ी है खत्म हो चुकी है। कल आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा की उत्तर कुंजी जो है जारी हो सकती है। उत्तर कुंजी जारी होने के करीब 15 दिन बाद आप सभी का जो रिजल्ट है वो भी घोषित कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, मतलब आपका रिजल्ट जो है 15 दिन बाद, मतलब इस वीक, इस मंथ के लास्ट वीक के अंदर या फिर फरवरी में माह के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने की पूरी संभावना है। बहुत से उम्मीदवारों ने अभी से पीईटी मतलब फिजिकल टेस्ट की परीक्षा की तैयारियां भी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ग्रुप डी की उत्तर कुंजी 11 जनवरी को जारी होगी। भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी की पदों पर भर्ती के लिए 17 सितंबर 2018 से 17 दिसंबर 2018 तक सीबीटी कंप्यूटर बेस टेस्ट जो है आयोजित किए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरआरबी अधिकारी अंगराज मोहन ने बताया कि आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी 11 जनवरी को जारी हो सकती है। उम्मीदवार किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे, इसके लिए उन्हें 7 दिन का समय दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड से या रेलवे से कोई भी गलती हुई कि आपका जो भी सही सवाल था उसको गलत कर दिया है, तो आप ऑब्जेक्शन फॉर्म भी भर पाएंगे, ठीक है, वो आपको 7 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। ये आंसर कुंजी जारी होने के कुछ दिनों बाद में वो लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ने यह भी कहा कि आरआरबी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है फरवरी माह में जारी किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। उम्मीदवार अपने आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर आईडी वे जन्मतिथि की मदद से आंसर की चेक कर सकेंगे। 1000 पदों पर भर्ती के लिए इस परीक्षा में 1.90 करोड़ उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अब इन सभी उम्मीदवारों को 3 महीने तक देश के विभिन्न केंद्रों पर चल रही ग्रुप डी की सीबीटी परीक्षा की उत्तर कुंजी और रिजल्ट का जारी होने का इंतजार है। जो उम्मीदवार आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी में पास होंगे उन्हें पीईटी परीक्षा मतलब फिजिकल टेस्ट की परीक्षा में बुलाया जाएगा। फिजिकल जो पीटी परीक्षा का शेड्यूल है रिजल्ट के बाद जारी होगा। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट थी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अभी से तैयारियां शुरू कर दें, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए सीबीटी 1 में। तो दोस्तों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।